उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, इसके अलावा रेखा आर्य, सुबोध उनियाल व अन्य मंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार कड़े निर्णय ले सकती है। शीतकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति सीमित रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ कम रखने के लिए भी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पेयजल कर्मियों का वेतन कोषागार से देने और पेंशन का प्रकरण भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। तो कैबिनेट की बैठक हो रही है, बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर जिस तरीके से भीड़भाड़ हो रही है उसको लेकर भी कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पेयजल कर्मियों का वेतन कोषागार से देने और पेंशन का प्रकरण भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। तो सचिवालय में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, कैबिनेट की बैठक चल रही है, अभी कोई जानकारी बैठक को लेकर क्या अहम प्रस्ताव हो सकते हैं? बिल्कुल कुंजन, देखिए अभी तकरीबन आधे घंटे करीब हुआ है कैबिनेट बैठक को शुरू हुए और उसमें कई प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में किए जाने हैं। तकरीबन दो दर्जन से करीब के करीब मामले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लाए जाने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कोविड को लेकर जिस तरह की आज भी 505 मामले आए हैं उसको लेकर किस तरह की पाबंदियां उत्तराखंड में लगाई जानी है उससे संबंधित कुछ चीजें आज कैबिनेट में डिस्कस होंगी। उसके बाद सरकार तय करेगी किस तरह की पाबंदियां उत्तराखंड में लगाई जाए क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, पेयजल निगम कर्मचारियों की हड़ताल कई दिनों चल रही थी, उनका ट्रेजरी से वेतन का मामला था, वो कैबिनेट बैठक में आज संभवतः आ सकता है। और भी कई विभागों की जो नियमावली है उनमें संशोधन के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा कई विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने को लेकर भी उसमें कैबिनेट में फैसले हो सकते हैं। इस तरह से तकरीबन 2 दर्जन के करीब मामले हैं आज जो कैबिनेट में आएंगे। तकरीबन 7 बजे के बाद तक ये कैबिनेट बैठक चलेगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि सरकार ने किन किन मुद्दों पर मोहर लगाई है कैबिनेट के माध्यम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, बैठक में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, इसके अलावा कई और अहम प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर आज मोहर लगेगी।